नमस्कार प्यारे दोस्तों कर लो स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला के अंतर्गत मैं डॉक्टर दिलीप नलगे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले एपिसोड में हमने देखा गर्मी के दिनों में अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है अर्थात वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए अब जैसे ग्रीष्म ऋतु जो है वो खत्म होने लगता है ग्रीष्म ऋतु कब खत्म होता है क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा तपन बढ़ जाती है सब इंतज़ार करते रहते हैं कि अरे अभी बारिश हो जाए अभी बारिश हो जाए और फिर धीरे धीरे बरसात होना शुरू हो जाता है और सारी जो पृथ्वी है सारे जो प्राणी है सारे जो वनस्पति है वो जैसे इंतजार में होते हैं कि बस अभी बरसात हो जाए और ये गर्मी कम हो जाए खत्म हो जाए तो ऐसे वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है बरसात की शुरुआत अच्छी तरह से हो जाती है तो ये जो दो महीने होते हैं जिसमें बरसात बहुत अच्छी तरह से होती है ये होते हैं जुलाई और अगस्त तो जुलाई और अगस्त के जो महीने हैं ये मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गिने जाते हैं और वर्षा ऋतु में क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कि मई और जून ये जो ग्रीष्म ऋतु का समय है इसमें रुक्षता जो बढ़ी हुई है उसके कारण शरीर में वात का संचय होना माना वात इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जैसे ही गर्मी जो है बाहर की वो उसको बढ़ने नहीं देती एक प्रमाण से ज्यादा तो उसको कंट्रोल करके रखती है लेकिन जैसे ही वो गर्मी निकल के जैसे ही बरसात शुरू हो गई बाहर का माहौल जैसे ही ठंडा हो गया तो उसमें क्या हो जाता है वात जो है वो प्रकूपित हो जाता है सभी के शरीर में तो पहले बरसों पहले कोई जगह पे कई चोट लगी थी कोई आघात हुआ था तो जैसे ही ये वात प्रकूपित हो जाता है तो वहां पे फिर से दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि वायु या वात दोष और दर्द इनका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है तो जैसे ही ये सब होने लगता है और, और क्या होता है ये बरसात के दिनों में मैंने जैसे बताया कि ग्रीष्म ऋतु में भी हमारे शरीर का बल कम होता है जाठराग्नि का बल माना पचाने की शक्ति भी कम होती है ऐसी वर्षा ऋतु माना बरसात के दिनों में भी हमारे शरीर का बल कम रहता है ये दक्षिणायन की शुरुआत का सीजन है शुरुआत का सबसे पहला ऋतु है और शरीर का भी बल कम रहता है और जाठराग्नि का बल भी कम रहता है और जैसे ही ये बरसात होती है तो सारे ही जगह में सारे ही वनस्पतियों में भी क्या हो जाता है अम्ल रस का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है अम्ल विपाक हो जाता है इसलिए इस ऋतु का जो टेस्ट है वो है अम्ल तो इस सीजन में हमें किस प्रकार का आहार विहार लेना चाहिए तो मुख्य रूप से जो वात को कम करने वाला जो आहार है जो टेस्ट वात को कम करते हैं मुख्य रूप से मीठा खट्टा नमकीन और गर्म तासीर वाली जो चीज़ें हैं ये वात को कम करने वाली होती है तो इस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए दूसरा विहार में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि चलो ग्रीष्म ऋतु में तो हमें दिन में सोनो सोने की परमिशन होती है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में रुक्षता बहुत ज़्यादा होती है और बाहर दिन बहुत जो है वो बड़े होते हैं रातें छोटी होती है लेकिन वर्षा ऋतु में ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें दिन में नहीं सोना चाहिए वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से जो भी चीज़ें हम खाते हैं जो भी आहार हम लेते हैं उसमें हम साथ में शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसा बताया गया है कि शहद का प्रयोग अगर करते हैं तो वो हमें लाभ कर होता है और वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से हम जो कपड़े पहनते हैं तो कपड़े जो हैं वो अच्छी तरह से सूखे हुए ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से जो हम देखते हैं कई सारे पेशेंट्स में वो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने में आता है क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ह्यूमिडिटी होती है हवा में आर्द्रता होती है तो इन दिनों में फंगल इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा जोर पकड़ लेता है और वात भी प्रकुपित हो जाता है तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया एक तो आहार में हमें इस प्रकार के रसों का ज्यादा ज्यादा प्रधानता रखनी चाहिए वैसे आहार हमेशा ही छः ही रसों से युक्त होना चाहिए लेकिन ये तीन रस ज़्यादा मुख्य होने चाहिए आहार में और गर्म तासीर वाली चीज़ें होनी चाहिए उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इन दिनों में हमें अपनी वर्षा से या जो बरसात है उससे रक्षा करना बहुत आवश्यक है तो उसके लिए भी हम जो प्रिकॉशंस है वो हमें लेनी चाहिए छाता या रेनकोट जो है जो भी है वो हमें हमेशा साथ में रखना चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने आपको बताया कि कपड़े प्रॉपर सूखे हुए होने चाहिए थोड़ा भी गीलापन अगर रहता है खास करके जो छोटे कपड़े जो होते हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार से गीलापन बना रहता है तो वो आगे चल के किसी ना किसी फंगल इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है या फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है तो इसीलिए वर्षा ऋतु में खास करके हमें ये बातों का ध्यान देना होता है और आहार हमें गरम गरम खाना खाना, खाना चाहिए वर्षा ऋतु में और जो इजीली पच जाए क्योंकि अग्नि अभी भी उतनी पावरफुल नहीं होती है जाठराग्नि तो इस सीजन में मंद ही होती है तो इसीलिए वर्षा ऋतु में हमें इन सब बातों का ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है उसके बाद जो सीज़न आता है क्योंकि क्या होता है वर्षा ऋतु में जो बाहर की ठंड है या जो बरसात है तो बरसात के दिनों में क्या होता है नेचुरली हमें गरम-गरम पकोड़े समोसे ऐसी तली हुई चीज़ें और चाय ये सब माना ऐसे सुनते ही बहुत अच्छा लगता है कि बाहर एकदम बढ़िया बरसात हो रही है और हम पकोड़े समोसे और ऐसे चाय का आनंद ले रहे हैं लेकिन ये जो चीज़ें हम करते हैं बरसात के दिनों में तो उसका जो खामी अजा है वो हमें अगले सीज़न में भुगतना पड़ता है क्योंकि जैसे ही बरसात ख़त्म होती है और फिर से गर्मी शुरू हो जाती है जो सितंबर और अक्टूबर का सीज़न है जिसको शरद ऋतु कहा जाता है और वैसे भी अक्टूबर हीट ये तो फेमस है ही अक्टूबर में तो गर्मी बढ़ती है तो इन दिनों में फिर क्या होता है कि जैसे ही बाहर की शीत जो है शैत्य खत्म हो गया और उष्णता ने, ने उसकी जगह ली उष्ण गुण ने उसकी जगह ली तो क्या होता है कि जो पित्त धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था वर्षा ऋतु में लेकिन वो प्रकूपित नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाहर की शीत की वजह से लेकिन जैसे ही उष्णता का जोड़ उसको मिल गया तो ऑटोमेटिकली वो पित्त जो है वो प्रकूपित हो जाता है और शरद ऋतु में इसीलिए पित्त से संबंधित समस्याएं ज़्यादा देखने में आती हैं उसमें जैसे एसिडिटी हो सकती है वैसे तो गैस और एसिडिटी ये बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं बहुत सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं मुख्य रूप से ये ठीक से पाचन न होने के कारण ये उत्पन्न होता है और जो शरद ऋतु में जो पित्त की समस्याएँ होती है खास करके जो स्किन डिसीजेस हैं अलग अलग प्रकार की और वैसे तो पित्त के 40 अलग अलग व्याधियां बताई गई है पित्त विकार के नाम से तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है शरद ऋतु में तो इसीलिए शरद ऋतु में हमारा खान पान किस प्रकार से होना चाहिए हमारा विहार किस प्रकार से होना चाहिए ये बात हमें जरूर ध्यान देनी चाहिए तो इसीलिए ये बात ध्यान देना बहुत आवश्यक है शरद ऋतु में हमारा आहार जो है उसमें तीन रस कौन से अधिक होने चाहिए तो पित्त को कम करने वाले जैसे मीठा है कड़वा है और कशैला ये तीन रस पित्त को कम करने वाले होते हैं और जो ठंडी तासीर वाली जो चीज़ें हैं तो इन तीन रसों वाली और ठंडी तासीर वाली चीज़ें हम ज़्यादा सेवन करें उससे पित्त कम होगा और इसके विपरीत माना खट्टा नमकीन और तीखा और गर्म तासीर वाली चीज़ें पित्त को बढ़ाने वाली होती है तो उनको कम से कम या ना के बराबर प्रयोग करें तो उससे हमें अपने पित्त को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है वैसे देखा जाए तो पित्त को कम करने के लिए सबसे अच्छी जो दवाई आयुर्वेद ने बताई है वो है देसी गाय का घी तो थोड़ा सा घी रेगुलरली हम आहार में इस सीज़न में अगर लेते हैं तो पित्त जो बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल में रखने में निश्चित रूप से मदद मिलती है और उसके साथ साथ दूध ये भी पित्त को कम करने में हेल्प करता है सुबह सुबह आप अगर सिंपल पानी के साथ थोड़ा सा नींबू उसमें निचोड़ के अगर लेते हैं तो ये नींबू पानी सिंपल प्लेन नींबू पानी भी पित्त को कम करने में हमें बहुत हेल्प करता है हमारे घर में जो इलायची होती है तो इलायची भी अगर थोड़ी मात्रा में हम अगर यूज़ करते हैं तो ये भी पित्त को कम करने की और पित्त के कारण जो उल्टियाँ होती है उसको भी कम करने की बहुत ही अच्छी दवाई है खास करके जो अलग अलग जूसेस आजकल मिलते हैं इजीली अवेलेबल आंवला जूस है एलोईवेरा है तो आंवला जो है ये भी पित्त को कम करने की बहुत अच्छी दवाई है वैसे तो ये अम्ल रसात्मक है खट्टी है फिर भी ये पित्त को कम करती है और उसके साथ साथ एलोईवेरा जो है ये भी क्या करता है पित्त को भी कम करता है वात को भी कम करता है और जोड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है तो इस प्रकार से ये जो छोटी छोटी, छोटी चीज़ें हैं जो हम आसपास में ही अपने पाते हैं आसपास में ही हमें मिल जाती है उनका प्रयोग करके हम अपने पित्त को ठीक रख सकते हैं और इस प्रकार से पित्त को कंट्रोल में रखने से पित्त से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं तो इसीलिए प्यारे दोस्तों शरद ऋतु में हमें मुख्य रूप से आहार किस प्रकार का लेना चाहिए तो मीठा कड़वा और कशैला जैसे कड़वे में जैसे करेले की सब्जी है करेला भी बहुत अच्छा पित्त को कम करता है डायबिटीज़ के लिए भी बहुत यूजफुल होता है तो इस प्रकार से जो कड़वी चीज़ें हैं वो भी थोड़ी थोड़ी आहार में लेनी चाहिए भले ही हमें वो पसंद नहीं होती है लेकिन ये इस प्रकार से हमें हेल्प करती है और उसके साथ साथ विहार की अगर हम बात करें तो विहार में मुख्य रूप से हमें ये ध्यान देना है कि जो तेज कड़क धूप है उससे अपने आप को बचाना है ज्यादा डार्क शेड के कपड़े इस सीजन में नहीं पहनने हैं और इस सीजन में खास करके पित्त को कम करने के दृष्टि से अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद भी हमारा पित्त कम नहीं होता है हमें उतना रिलीफ नहीं मिलता है तो इसके लिए आयुर्वेद में एक चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है उसको कहा जाता है पंचकर्म थेरेपी तो पंचकर्म में क्या होता है अलग अलग पांच प्रकार के कर्म होते हैं उसमें से एक कर्म होता है विरेचन तो विरेचन जो है ये पित्त को कम करने की सबसे बेस्ट थेरेपी बताई जाती है तो आप कोई भी ऐसी दवाई ले सकते हैं जिससे पित्त जो है वो शरीर के बाहर निकल जाए उसमें अविपत्तिकर चूर्ण है त्रिफला चूर्ण है ये कफ और पित्त दोनों को कम करने में निश्चित रूप से बहुत ही मददगार साबित होते हैं तो इस प्रकार से शरद ऋतु में हम अपने आप को ठीक रखने के लिए अलग अलग प्रकार से जैसे मैंने बताया आपको कि घी का भी अगर नियमित रूप से सेवन करते खास करके कड़वे द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घी जिसको आयुर्वेद में तिक्त घृत कहा गया है तो तिक्त घृत का भी अगर नियमित रूप से सेवन करते हैं विरेचन बीच बीच में लेते हैं और उसके साथ अगर हम आ, अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि दूसरों का भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो हेल्थ में तो कई लोग ऐसा करते हैं कि साल में एक बार ब्लड डोनेशन जरूर करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सबसे बढ़िया महीना है अक्टूबर मंथ आप इसको ब्लड डोनेशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट कीजिए साल में एक बार अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट मंथ है इसमें आप ब्लड डोनेट करेंगे तो उसमें आपका भी फायदा है और जिसको ब्लड मिलने वाला है उसको भी उसका फायदा होगा क्योंकि आयुर्वेद में एक रक्तमोक्षण नाम से एक चिकित्सा का वर्णन किया गया है जो पंचकर्म में ही बताई जाती है तो ये ब्लड डोनेट करने से आप भी कई सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं साथ ही साथ रक्तदान महादान का पुण्य कर्म भी आपसे हो सकता है तो इसीलिए शरद ऋतु में अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं और इस अनुसार अगर हम अपना आहार विहार रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें स्वस्थ रहने में बड़ी ही मदद मिलती है तो प्यारे दोस्तों हमने अभी तक जो कुछ एपिसोड में ये देखा कि अलग अलग ऋतु के अनुसार हमें अपना आहार विहार कैसा रखना चाहिए तो इसमें हमने हेमंत ऋतु से शुरुआत की ठंड के जो सीज़न होते हैं फिर गर्मी के तरफ आए और फिर बरसात और फिर शरद ऋतु तक आके हमने ये छह ही ऋतुओं में किस प्रकार से आहार विहार होना चाहिए उसके बारे में आपके साथ जानकारी शेयर की ज़रूर इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखिए और उसका कितना फर्क पड़ता है अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य में उसका अनुभव कीजिए सदा स्वस्थ रहे खुश रहे तंदुरुस्त रहे ओम शांति धन्यवाद